हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल. सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर सेकंड ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th क्लास, चैप्टर सेकंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इन अवर लास्ट वीडियोस वी हैड स्टडीड अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आरएच विटेकर एंड we had already studied about kingdom monera. So today we will discuss about kingdom protista, which is on page number 20. So let's start this chapter, kingdom protista. All single cell eukaryotes are placed under protista. jitne bhi single celled eukaryotes hain unhe hum kis mein rakhte hain? protista mein rakhte hain. ठीक है, हमने पढ़ा था मोनेरा के अंदर. मोनेरा में भी क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं. वो सारे के सारे मोनेरा में रखते हैं हम, जिन्हें बैक्टीरिया जिनमें रखते हैं. लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा है, इसके अंदर हम लोग सिंगल सेल यूकैरियोट्स को रखते हैं. तो प्लीज़ कन्फ्यूज मत होना, जो मोनेरा है उसमें हम लोग रखेंगे सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स को, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम सिंगल सेल यूकैरियोट्स को रखते हैं. अब हमने देखा यूकैरियोट्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड होता है. तो इसमें भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, बट इसमें जो बाउंड्रीज होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं. अब ये इस किंगडम में आने वाले जितने भी प्रोटिस्टा जो भी हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और कुछ होते हैं वो किसी और प्लांट के ऊपर भी अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं. तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्रोटिस्टा में क्रिप्सोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोइन, ये सब कुछ पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में. ये सारे के सारे मेंबर्स हैं वो प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं, यानी कि सारे के सारे पानी में अपना पूरा लाइफ एक्सप्लेन करते हैं. तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं. हम देखते हैं कि जो ये इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं वो सब सब में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. वो किसी ना किसी सेल वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं. तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं क्रिप्टोसाइट, क्रिप्टोफाइट्स, इसे हम डायटम्स भी कहते हैं. तो इसके अंदर जितने भी गोल्डन एल्गी होते हैं, जिसे डेस्मिस कहते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गे. ये मोस्टली बिल्कुल फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं. इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं, और इनका स्पेशल है कि ये फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर के अंदर. और इन्हें हम प्लैंकटॉन्स कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ के अंदर. इन्हें हम प्लैंकटॉन्स कहते हैं. अब ये प्लैंकटॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं. पानी में रहते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो ये ऑटोट्रॉप्स हो गए. जो डायटम्स होते हैं, इनकी सेल वॉल होती है, ये एक सोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. जो डायटम्स हैं वो क्या होते हैं? सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सोप बॉक्स होता है ना, जिसमें क्या होता है, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स को कवर अप करके रखता है इस तरह से. तो इस तरह से सोप बॉक्स की तरह ये बने हुए होते हैं. इसकी सेल वॉल एक दूसरे को ये ओवरलैप किए हुए होते हैं. और इसके इसकी सेल वॉल होती है इनके अंदर, सॉरी इसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सिलिका होता है, वो एम्बेडेड रहता है. अब बहुत ज़्यादा टाइम तक, मतलब बहुत ज़्यादा सेल वॉल के अंदर सिलिका बहुत ज़्यादा टाइम तक डिपॉजिट होने की वजह से ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, मतलब थोड़े से चिकने टाइप में हो जाते हैं थोड़े, है ना. जैसे बहुत सिलिका हमने देखी है कितनी ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल होती है और कितनी ज़्यादा चिकनी भी होती है ना. तो इसी तरह से क्या होती है, बहुत सारी सिलिका इन पे डिपॉजिट होने के कारण ये बहुत ज़्यादा बहुत बिलियंस टाइम. तो इन्हें है ना हम क्या कहते हैं, डायटमिक्स अर्थ कहते हैं. डायटमिक्स अर्थ कहते हैं इनके बहुत सारे एक्यूमुलेशन के कारण, डायएटोमियस अर्थ कहते हैं इनको, है ना. और इसका क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ज़्यादातर इसका यूज़ पॉलिशिंग में, ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में, सिरप्स में, इनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है. और डायटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं. यानी कि ये ओशियन के अंदर जो भी चेन स्टार्ट करने वाली होते हैं उसके अंदर सबसे फर्स्ट यही होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं. तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के अंदर. तो क्रिप्टोफाइट्स हमने पढ़ा है, तो हमने इसमें देखा है इसमें सारे सारे डायटम्स आते हैं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं. और इनकी जो ये फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं. अब जो इनकी सेल वॉल होती है उसमें सिलिका एम्बेडेड होती है, और इस सिलिका के बहुत सारे डिपॉजिटेशन के कारण इन्हें हम
डायएटोमियस अर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको डायटमिस अर्थ कहते हैं, बहुत सारे एक्युमुलेशन के कारण। इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? पॉलिशिंग में, ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में, सिरस बनाने में, इनमें इनका यूज़ किया जाता है। इन्हें इंपॉर्टेंट थिंग है, इन्हें चीफ प्रोड्यूसर कहते हैं ओशियंस के अंदर। नाउ डायफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? तो हम देखते हैं डायफ्लैजिलेट्स से हमें नाम से पता लग रहा है, डायफ्लैजिलेट्स मतलब कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, इनके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। अब हम देख सकते हैं डायग्राम नंबर वन में, इसमें दो फ्लैजिला हैं। अब जो फ्लैजिला होती हैं वो इसके अंदर एक तो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और दूसरी क्या होती है? ट्रांसफर्डली होती हैं। यानी कि एक हम देखते हैं, एक फ्लैजिला तो इसमें कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है और दूसरी ट्रांसफर होती है ना। तो इस तरह से इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं दो डायफ्लैजिलेट्स में। ये एक अपीयरेंस में येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, यानी इनमें पिगमेंट होते हैं। उस पिगमेंट की वजह से ये अलग अलग कलर की दिखाई देते हैं। मरीन वाटर में रहते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए ये ऑटोट्रॉप्स भी कहलाते हैं। अब इनकी सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है, आउटर सेल वॉल। ठीक है, इनकी आउटर सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। हमने देखा दो फ्लैजिलेट होते हैं, इन पे एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसफर्डली होता है। अब जो सेल वॉल होती है इसमें हम देखते हैं कि जो इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनको अलग अलग कलर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक रेड कलर का पिगमेंट होता है इनके अंदर डायफ्लैजिलेट्स में, जिसका हम एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है गोनियोप्लेक्स। गोनियोप्लेक्स एक रेड डायनो फ्लैजिलेट है जिसके अंदर ये ना बहुत ज़्यादा जल्दी रैपिडली क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और है ना पूरी की पूरी जितना भी, जैसे कोई वाटर का सरफेस है, पॉन्ड वाटर वगैरह कुछ भी है, उसके अंदर ये रेड टाइट्स के जैसे अपीयर होते हैं, बिल्कुल रेड, पूरा रेड कर देते हैं उस पोर्शन को, है ना। इसे हम रेड टाइट्स भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बिल्कुल रेड दिखाई देने लग जाएंगे। अब ये जो रेड टाइट्स होते हैं क्या करते हैं? एक टॉक्सिक जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पॉइजनस होता है, टॉक्सिक रिलीज करते हैं, जो कि बहुत जितने भी मरीन वाटर के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? मार सकते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में हमने पढ़ा, जैसा हम नाम से बता सकते हैं डायनोफ्लैजिलेट हैं, तो उसमें दो फ्लैजिलेट होंगे, एक तो होगा लॉन्गिट्यूडनल और एक होगा ट्रांसफर। ठीक है, इसकी इसमें सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें बहुत सारे टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग पिगमेंट की वजह से इनका कलर अलग अलग हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक रेड पिगमेंट होता है जिससे कि हम गाइनोप्लेक्स भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? बहुत रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारा मतलब अपीयरेंस में दिखते हैं, तो कैसे दिखाई देता है? वो पूरा के पूरा पोर्शन रेड कलर का दिखाई देता है, जिसे हम रेड टाइट्स भी कहते हैं। और एक ये टॉक्सिक रिलीज करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है जितने भी मरीन के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं युग्लिनॉइड्स क्या होते हैं। देखिए युग्लिनॉइड्स फर्स्ट तो ये स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं, जहाँ भी रुका हुआ पानी होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं हमको ये, है ना, मोस्टली मेजोरिटी में। अब हम देखते हैं जो इनकी जो सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल की एब्सेंट होती है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, लैक ऑफ सेल वॉल होती है, बट इसके अंदर सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है। प्रोटीन रिच, याद रखना, प्रोटीन रिच लेयर होती है इसके अंदर, जिसे हम पैलिसिल कहते हैं। पैलिसिल कहते हैं जो इनकी बॉडी को क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जिसे इजीली फ्लेक्सिबली घूम सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। तो इनको फ्लेक्सिबिलिटी देती है बॉडी को, इनकी बॉडी को फ्लैजिलेट, पैलिसिल। अब ये इनमें भी क्या होते हैं? दो फ्लैजिला होते हैं, जैसे हमने डायनोफ्लैजिलेट में देखा, इनमें भी दो फ्लैजिला। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स और युग्लिनास के अंदर क्या मतलब युग्लिनॉइड्स हैं इनके अंदर क्या, इनके फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है? तो हम देखते हैं इसके जो फ्लैजिला होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, ये देखेंगे हम डायग्राम में। इसमें एक तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत लॉन्ग होता है, एक बहुत शॉर्ट होता है। तो दो तरह के फ्लैजिला होते हैं इसके अंदर, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक तो शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग। अब ये होते हैं युग्लिनॉइड्स होते हैं, इनका हम एग्जांपल देखते हैं। युग्लिना एग्जांपल लेते हैं। अब ये क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सनलाइट की प्रेजेंट में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बट जब सनलाइट नहीं होती है तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं, एटरोट्रॉप्स होते हैं, उनकी जैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरह से हम युग्लिना को कह सकते हैं कि युग्लिना या युग्लिनॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? मिक्सोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? मिक्सोफाइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। अब इंटरेस्टिंगली एक चीज़ है कि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है युग्लिनॉइड्स के अंदर, जो कि इनको हायर प्लांट्स की तरह आइडेंटिकल, मतलब हायर प्लांट्स की तरह दिखाता है। तो इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो इनको हायर प्लांट्स की तरह
दिखाता है, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप बता सकते हो कि यूग्लिनॉइड्स में क्या है, बहुत इजी है। यूग्लिना इसका मेंबर होता है, यूग्लिना लेते हैं हम। इसके अंदर दो फ्लैजिलेट्स होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। इसके अंदर सेलवॉल होती है वो लैक होती है, सेलवॉल नहीं होती है, उसकी जगह क्या होता है प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेरिसेल कहते हैं। और इनकी बॉडी को क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये मिक्सोफाइट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मिक्सोफाइट होते हैं, यानी कि इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफी होता है और हेटरोट्रॉफी होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्लाइम मॉल्स। स्लाइम मॉल्स, व्हाट इज स्लाइम मॉल्स? स्लाइम मॉल्स होते हैं मोस्टली सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक यानी कि डेड और डिकेड ट्विंग्स या लीव्स के ऊपर क्या करते हैं, ये अपना फूड लेते हैं। हेटरोट्रॉप्स हुए सेप्रोफाइट हैं, सॉरी। तो ये क्या करते हैं, अपना फूड डिके और डेड प्लांट या फिर प्लांट्स इनसे लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनमें प्लाज्मोडियम होता है, सूटेबल कंडीशंस होती है तब तो ये क्या एग्रीगेशन में बहुत सारे इकट्ठे होकर प्लाज्मोडियम बना लेते हैं और ग्रो करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करके बहुत टाइम तक रहते हैं, ठीक है। बट जब फेवरेबल कंडीशन की बात है, जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बहुत सारे क्या होते हैं ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं और ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडियम। बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब ये प्लाज्मोडियम अपने आप को डिफ्रेंशिएटेड करता है और स्पोर्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करता है स्पोर्ट्स के अंदर अपने आप को। अब ये स्पोर्ट्स कहाँ होते हैं, एक फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके ऊपर की टिप होती है, एक फ्रूटिंग बॉडी होती है इसके ऊपर की टिप पर स्पोर्ट्स होते हैं उस स्पोर्ट्स में। लाइक एक फ्रूटिंग बॉडी है, यहाँ पर स्पोर्ट्स होते हैं, ये ऊपर की तरफ स्पोर्ट्स इसके अंदर शो होते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये अपनी प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं। ये स्पोर्ट्स होते हैं, इनमें ट्रू वॉल्स होती है यानी कि वॉल्स होती हैं इनके अंदर, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं और इजीली बहुत ज़्यादा टाइम तक क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं जब तक कि इनको कंडीशन एडवर्स नहीं मिल जाती, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल जाती है। और ये स्पोर्ट्स बहुत लंबे टाइम तक एयर करंट से डिस्पर्स होते रहते हैं, फैलते रहते हैं, इसमें स्लाइम मोल्ड्स में। तो स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, स्पैरोफाइटिक होते हैं, डिके और डेड होते हैं, प्लांट्स वगैरह मटीरियल होता है ऑर्गेनिक मटीरियल उनके ऊपर क्या करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं। ये सूटेबल कंडीशंस के अंदर तो एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम बनाकर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। बट अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर स्पोर्स के रूप में फ्रूटिंग बॉडीज़ की टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एयर के करंट से डिस्पर्स होते हैं, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप का सर्वाइवल कर सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक जब तक कि इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सारे हेटरोट्रॉप्स होते हैं एंड लिव एज ए पैराडर्ट्स के जैसे क्या करते हैं, लीव करते हैं ये, ठीक है। अब इन्हें हम प्रिमिटिव लिटिस एनिमल्स भी कहते हैं, यानी कि बहुत पहले वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कहते हैं इनको। इनकी चार मेन कैटेगरीज हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा अमीबा, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है अमीबॉइड है, तो इसमें अमीबा हम ले सकते हैं। फ्रेश वाटर में रहते हैं ज़्यादातर ये अमीबा, एक्वेटिक और फ्रेश वाटर में रहते हैं। इनकी सेलवॉल होती है उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिका होता है, इनकी सेलवॉल होती है उसमें क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अपना जो भी फूड होता है या फिर अपना जो भी कोई पैरी होते हैं उनसे बचने के लिए करते हैं सूडोपोडिया होते हैं इनके पास, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अमीबा के अंदर इन शेप इरेगुलर शेप होती है और उसके अंदर क्या होते हैं फॉल्स फीट होते हैं जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये अपने फूड पार्टिकल्स को अपने बैरी से बचने के लिए क्या करते हैं, इन सूडोपोडिया का यूज़ करते हैं। और मैरिन वाटर के अंदर रहने से इनके जो शेल होती है, इनके ऊपर की जो सेलवॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, जो इनको ऊपर से सरफेस को कवर अप करके रहती है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं एंट अमीबा, एग्जांपल में हम देख सकते हैं एंट अमीबा जो भी एक पैरासाइट है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स पे, नाम है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स। तो फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला, तो इनके इन मेंबर्स में फ्रीली, ये भी फ्रीली लिविंग पैरासाइट्स ही होते हैं। अब इनके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसा नाम में दिखा हुआ है फ्लैजिलेट, तो इनके ऊपर भी क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं दो। ये पैरासाइटिक फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, ये एक डिजीज़ करते हैं जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इनसे एक डिजीज़ होती है, इसका एग्जांपल देखेंगे हम ट्रिप्नोसोमा कहते हैं। ट्रिप्नोसोमा क्या होता है, एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है जो कि एक डिजीज़ करता है ह्यूमंस में, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस से क्या होता है, नींद नहीं आना, मतलब किसी को भी अगर ये वाली डिजीज़ होता है उसे नींद नहीं आती है। तो इसका वेक्टर कौन होता है, सीसी फ्लाई क्या करती है, कोई भी जैसे ये ट्रिप्नोसोमा के ऊपर मतलब
इस ट्रिप्नोसोमा के ऊपर सीसी फ्लाई बैठी है ना, तो ट्रिप्नोसोमा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके चिपक जाता है ये वेक्टर से। चिपकने के बाद में जैसे ही सीसी फ्लाई किसी भी फूड मटेरियल पे बैठती है तो वहाँ क्या करती है, ट्रिप्नोसोमा को छोड़ देती है। और उस फूड मटेरियल को हम कुछ खा लेते हैं, उस फूड को खा लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद में क्या करता है, ये हमें कौन सी डिजीज़ देता है, स्लीपिंग सिकनेस देता है। तो इसका एग्जाम्पल लर्न कर लेना ट्रिप्नोसोमा, जो कि एक पैरासाइट होता है जो कि स्लीपिंग सिकनेस देता है, ठीक है। एंड अमीबा हमारा अमीबॉइड का था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीलिएट प्रोटोजोअन्स। सीलिएट प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम सीलिया, यानी कि हम देखते हैं फ्लैजिला और सीलिया दोनों के दोनों क्या करते हैं, मूवमेंट के अंदर मतलब मूवमेंट करवाते हैं ना। सीलिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बॉडी के आउटर पार्ट पे, बट बहुत 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 छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा थाउजेंड से भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं सीलिया। जबकि फ्लैजिलेट क्या होते हैं, बहुत मतलब लॉन्ग होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन इनकी जो नंबर होते हैं वो टू होते हैं, ठीक है ना, मतलब नंबर में कम होते हैं, बट सीलिया होते हैं वो थाउजेंड, इतने ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। सीलिएट, दो सीलिएट के मिड के अंदर कैविटी होती है जिसे हम गुलेट कहते हैं। ये दो सीलिएट हैं, इन दो सीलिएट के मिड के अंदर जो भी कैविटी होती है उसे गुलेट कहते हैं। इस गुलेट के अंदर से ही क्या होता है, जो भी कोई फूड लेना हो, इनटेक करना हो, या फिर कोई फूड को या वेस्ट मटेरियल को एक्सेस करना हो, तो इस गुलेट के थ्रू ही निकाला जाता है। और ये सीलिएट होते हैं, इनको वाटर के अंदर मूवमेंट करने के लिए, मूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सारे के सारे सीलिएट होते हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कराते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी पैरामीशियम या फिर कोई भी मेंबर हो सीलिएट प्रोटोजोअन्स को, इनको एक ही मूवमेंट कराते हैं ये, है ना। तो हमने देखा सीलिएट प्रोटोजोअन्स में क्या होता है, ये एक तो एक्वेटिक में रहते हैं और एक्टिवली मूव करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर थाउजेंड से भी ज़्यादा सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इन दो सीलिएट्स के मिड के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम गुलेट कहते हैं। गुलेट के थ्रू क्या करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल को इनटेक करना हो या एक्सर्ट करना हो तो वो गुलेट के थ्रू ही किया जाता है। इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी बॉडी के अंदर, पैरामीशियम की बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार और आप ध्यान दीजिएगा। पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो इसका जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होता है, ये स्पोर लाइक स्टेज होती है और जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है। स्पोरोजोइट्स होती हैं, जो ये हमारी ह्यूमन बीइंग है, इनके अंदर जो प्लाज्मोडियम है, इसकी एक स्टेज होती है जिसे कि स्पोरोजोइट कहते हैं। तो ये स्पोरोजोइट होते हैं, ये क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर मलेरिया की डिजीज़ को करते हैं। और ये प्लाज्मोडियम होता है, ये एक मोस्ट नोटोरियस होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया फैलाता है। और इसके ही सेग्रीगेशन से, जैसे ये बॉडी में एंटर करता है तो ये बहुत जल्दी से सेग्रीगेट होते हैं, बहुत जल्दी से फैलते हैं और अपनी पॉपुलेशन कर लेते हैं ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन जो भी ह्यूमन होता है वो इससे डिजीज़ से उसे ये डिजीज़ हो जाती है। तो स्पोरोजोइट होती है, एक बहुत हार्मफुल स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की। और इसका जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर, मॉस्किटो। तो स्पोरोजोन्स होता है, इसमें स्पोर लाइक स्टेज आती है, स्पोरोजोइट्स कहते हैं जिसे, जो कि इन्फेक्ट कर देता है मलेरिया डिजीज़ के लिए, पैरासाइट मलेरिया के, है ना, जो प्लाज्मोडियम की एक स्टेज होती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा प्रोटोजोन्स के बारे में, अमीबियोइड प्रोटोजोन्स, जो कि जिसमें अमीबा लेते हैं हम, इसमें सूडोपोडिया होते हैं, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये जो भी अपना फूड वगैरह इंटेक करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन्स, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ट्रिप्नोसोमा है, जो स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज़ होती है जो कि ह्यूमन बींग में हो जाती है इसकी वजह से। सीलिएट प्रोटोजोअन्स में हमने पैरामीशियम पढ़ा है, जिसके अंदर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं उसके सेल के ऊपर, इसकी दो सीलिया के मिड के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम गुलेट कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्पोरोजोन्स में, स्पोरोजोइट एक स्टेज आती है प्लाज्मोडियम की ही, जो कि क्या करती है, इनफैक्ट बहुत हार्मफुल स्टेज होती है, इसमें एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिस वजह से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है ह्यूमंस को। तो आज हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।